सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1038 अनऑफिशियल साइट्स पे आ चुका है। अगर मैं बात करूँ ये चैप्टर कैसा था भाई, मजेदार था। अगर हम लोग साइड कैरेक्टर वाइज देखने जाएं तो एक और चीज तुम गौर करना, ओडा ने इस पूरे चैप्टर में, मैं कवर पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कवर पेज को छोड़ करके 8 जगहों पे फोकस किया। उस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कवर पेज की बात करते हैं। चैप्टर का टाइटल होने वाला है किड एंड लॉ वर्सेस बिग मॉम, जो कि टाइटल से मालूम पड़ जाता है कौन ज्यादा मेन हाईलाइट में रहने वाला है। प्लस कवर पेज में हमें एक और चीज पता चल ही जाता है, योनजी और निजी दोनों को बुक के अंदर कैद कर लिया गया है, वो भी इस महापुरुष के द्वारा। अब हम कभी और जब मैं कवर पेज सीरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा, फिलहाल चैप्टर पे ही फोकस रखते हैं। देखो यार, चैप्टर का पहला पेज जो कि फोकस कर रहा था कासल इंटीरियर थर्ड फ्लोर पे, वहां पर फाइट चल रहा है दो नमूनों का, हाफुक्रो कोजी वर्सेस राइजू। अब ये दोनों यार एक दूसरे के ऊपर पता नहीं कौन सा टेस्ट कर रहा है, चारों तरफ आग फैल गया वो फ्लेम योकाई की वजह से। पर ये लोग अपने जगह से टस से मस नहीं होना है, दोनों को डेडिकेशन जो दिखाना है। ऐसे ही फालतू के जगह हमें दिखाए गए हैं, जैसे कि जिनबे का उस रूफ को गिरते हुए पकड़ना जो कि सेकंड फ्लोर में हुआ। बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी दिखाए गए हैं, जैसे चॉपर थोड़ा टेंशन में है जोरो की हालत को लेकर के, वो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, पर टेंशन मत ले चॉपर, उसको कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज हम सब जानते हैं जोरो को कुछ नहीं हो सकता, वो सीरीज का सेकंड मेन कैरेक्टर है। प्लस नेक्स्ट पेज में हमें जो चीज दिखता है ना, वो सबसे ज्यादा सरदर्द देके जाता है भाई, स्काइप पकड़ के है कौन, साक्षात यमराज के दर्शन। और हाँ, ये ब्रुक नहीं है, भले ही ब्रुक की तरह दिखता है, बट फिर भी वो मेरे को जो चीज लगता है ना, जोरो का स्वॉर्ड का नेम क्या है, एनमा। अब एनमा नाम किस हिसाब से पड़ा, किंग ऑफ हेल के नाम पे, और ये जो स्काइट वाला बद्दा लग रहा हमें देखने को मिल रहा, हो सकता है ये किंग ऑफ हेल हो और एनमा का यूज करने की वजह से कहीं से आ गया हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ये एनमा का स्पिरिट फोर्स हो, कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर जब हमें रिवील किया जाएगा, वो चीज को जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस इस पूरे चैप्टर में अब तक का थर्ड मेरा फेवरेट पॉइंट कब आता है, ये वाला सीन जब आयदू CP0 से मिलता है, इन दोनों का भेंटघाट होता है और इन दोनों का जो बातचीत होता है ना, वो मजेदार था, जहां पर इजू इनके ऊपर गन तान देती है और उधर साइपर पोल का ये कहना था हम दोनों फिलहाल के लिए एक दूसरे को इग्नोर मारे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो साइपर पोल को इससे भी ज्यादा अर्जेंट काम है, निको रॉबिन को पकड़ना है। प्लस यहाँ पर एक और चीज को ज्यादा ही डार्क करके लिखा गया, जहाँ पर साइपर पोल का एक मेंबर कहता है यस वी आर फ्रॉम द एगिस जीरो ब्रांच। अब देखो ये जो जीरो है वो साइपर पोल का ब्रांच है, जिसको नहीं समझ में आता मैं समझा देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। प्लस साइपर पोल एजेंसी का नाम है, और रही बात एगिस या एजिस जो भी है, ये एक तरह से मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं क्वीन बीस्ट पायरेट का मेंबर है, ये भी तो हम कह सकते हैं क्वीन बीस्ट पायरेट का कमांडर है या फिर ऑल स्टार का मेंबर है, इस तरह से। वैसे ही ये जो एगेस वर्ड है, इसको यूज किया गया साइपर पोल को एक तरह से इज्जत देने के लिए। प्लस तुमको लगता है आइजू उन्हें जाने देगी, नहीं यार इजू उन्हें नहीं जाने देगी, उनके ऊपर गन तान देती है और यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल सकता है। बट ये बात तुम भी जानते हो, उसके लिए मार्को का तो हेल्प चाहिए ही चाहिए। अब हाँ, मार्को आ जाए तो मजा आ जाएगा। प्लस सेकंड मेन हाईलाइट जो मेरा इस चैप्टर का फेवरेट था, वो था यामाटो का फाइट, बिकॉज यामाटो यहाँ पर जाती है उस फ्लेम योकाई को रोकती है, लेकिन उससे पहले वो बर्फ से जमा देती है सारे उन बॉम्ब्स को। और ये मेरा प्रेडिक्शन एक और सही निकला, क्योंकि अगर तुम मेरे मांगा चैप्टर्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो तुमको याद होगा मैंने कहा था किसी ना किसी चैप्टर के रिव्यू पे कि मुझे ऐसा लगता है यामाटो उन बॉम्ब्स को जमा देगी, क्योंकि उसके पास बर्फीला वाला फॉक्स का पावर है। प्लस एक पैनल मुझे कंफ्यूज करके जाता है, जब इन दोनों की फाइट चल रही होती है और खत्म ही होने के कगार पे होती है, वहां पर हम फ्लेम योकाई का एक हैंड देख सकते हैं। अब ये हैंड किसका है मुझे नहीं मालूम। प्लस यहाँ पर ये ओरुची सामा क्यों आवाज आता है मुझे नहीं समझ में आया। खैर, लाइव फ्लोर की तरफ चलते हैं, जहां पर फाइट चल रहा है, सॉरी फाइट नहीं, फाइट खत्म हो चुका है एक तरह से, क्योंकि बिग मॉम ने किड और लॉ को धो दिया और इसके बाद वो काइडो के पास जाने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड होती है।
वो हेरा को कहती है कि ऊपर मुझे ले चल, बट ऐसा नहीं होने देता है, अपना लॉ। भाई वो जिस तरह से केरूम फिर से यूज करता है ना अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करके, बहुत ही ज्यादा मस्त था, और उसका स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो पूरा मैंने जब चैप्टर रीड किया और इतने टाइम से जब मैं फाइट देख रहा हूँ, मतलब पहले भी तो हमें फाइट पे फोकस किया गया ना किड और लॉ वर्सेस बिग मॉम का, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भाई लिलिन को अभी तक सिर्फ लॉ ही डैमेज कर पाया है। किड यार तू क्या कर रहा है भाई, तेरे अटैक्स तो मुझे कभी कभी अजीबो गरीब ही लगते हैं। लिलिन को उनका कुछ असर नहीं होता, तू बस नाम का वहां पर खड़ा है जैसा एक एक बार लगता है। और लॉ की बात करूं तो लॉ यार पहले भी डैमेज दिया था, इस बार भी उसको डैमेज देता है। और हाँ, ये लोग अटैक करते हैं, उन्हें रोक रहे हैं, इनका कहना है हम मर जाएंगे पर तुमको ऊपर जाने नहीं देंगे। खैर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस चैप्टर को लेकर के, मैं ये चैप्टर जब रीड कर रहा था इंजॉय किया, सच बता रहा हूँ इंजॉय किया। पिछले चैप्टर जितना तो अच्छा नहीं था, पर ये चैप्टर उससे कम भी नहीं था। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या लिलिन हार जाएगी? भाई हलवा नहीं है लिलिन को हराना, एक दो डेविल फ्रूट अवेकनिंग करके तुम अगर उसको हरा दोगे तो फिर योंको होने का उसके ऊपर यार लानत है। खैर, मैं देखना चाहता हूँ ये लोग किस हिसाब से फाइट करते हैं और क्या ये लिलिन को हरा पाते हैं या फिर नहीं हरा पाते हैं, ये भी मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जिस तरह से लॉ यार फाइट कर रहा है, मैंने इस तरह से फाइट करते हुए कब देखा था मालूम, पिछले बार पंख हजार्ड में जब वो डोमिनेट करके फाइट कर रहा था। यहाँ पर वो डोमिनेट नहीं कर रहा, उल्टा पिट रहा, बट ये कोशिश तो कर रहा है। और जिस तरह से ये अपना पावर दिखा रहा, भाई फाड़ के रख देगा यार। अब शायद अगर डॉफ्लामिंगो आ जाए तो शायद ये अकेले ही हरा दे, क्योंकि अभी लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और जिस तरह से केरूम को यूज कर करके फाइट कर रहा है, भाई मजा आ रहा है, क्योंकि ओपे ओपोनोमी मेरा फेवरेट डेविल फ्रूट है तो मैं इसकी तारीफ तो करूंगा ही। रही बात किड से, तो किड से मुझे और ज्यादा उम्मीद है। जिस तरह से वो लास्ट के पेज पे यार उसको क्रश करने का ट्राई करता है, बिग मॉम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मुझे मालूम है लिलिन को कुछ असर नहीं होने वाला। वेट करता हूँ किड जो है किस तरह से फाइट करता है, उसको किस तरह से हराता है, इंतजार करूंगा ये चीज देखने के लिए। प्लस तुम लोग को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर तुम मेरे से रेटिंग मांग रहे हो तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 8.5 out of 10। प्लस जब सोनन जब मैं मांगा चैप्टर ऑफिशियली संडे नाइट को आ जाएगा, तो सोमवार को ही जा करके कम से कम रीड कर लेना वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर को, बिकॉज वहां पर यार वन पीस का मांगा चैप्टर का ऑफिशियल ट्रांसलेशन आता है। बहुत सारे ट्रांसलेशन मिस्टेक जो होते हैं ना, वो सारी चीजें मिस्टेक को सही करके हमें दिया जाता है, तो उसको तुम सब रीड करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो, और अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही जो वन पीस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।